गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करी थी, जिसमें हमने होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करा था। इस एक्सरसाइज में हम नॉन होमोजीनियस की बात करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट। तो देखो, नॉन होमोजीनियस जब आप इक्वेशंस की बात करोगे, नॉन होमोजीनियस कौन सी होगी जिसकी डिग्री जिसका ऑर्डर सेम नहीं होगा। मान लो डी स्क्वायर आ गया, माइनस में डी आ गया, प्लस में डी इंटू डी डैश, इसका ऑर्डर दो, इसका एक, इसका दो, तो इक्वल नहीं है, तो ये हो गई आपकी नॉन होमोजीनियस। तो इन इक्वेशन फर्स्ट ले लिया एफ ऑफ डी इंटू डी डैश, कोई कंसिडर करी हमने लीनियर इक्वेशन। वो कहता है कि अब नॉन होमोजीनियस के दो केस हो सकते हैं। वो कहता है इन केस इक्वेशन फर्स्ट इज नॉन होमोजीनियस। मान लो इक्वेशन फर्स्ट आपकी नॉन होमोजीनियस है, तो इट मे नॉट बी पॉसिबल टू रिजोल्व इनटू लीनियर फैक्टर। मतलब होमोजीनियस में तो आप उसको लीनियर फैक्टर में रिजोल्व कर सकते थे, लेकिन नॉन होमोजीनियस में क्या होगा, आपके पास दो केस आ जाएंगे। आप उसको लीनियर फैक्टर में रिजोल्व कर भी सकते हो और आप उसको लीनियर फैक्टर में रिजोल्व नहीं भी कर पाओगे। तो देखो, व्हेन कैन रिजोल्व इनटू लीनियर फैक्टर, ये लीनियर फैक्टर बन गए, ये लीनियर फैक्टर हो गया। व्हेन कैन नॉट बी रिजोल्व इनटू लीनियर फैक्टर क्या है, सॉरी, या तो आप इस टाइप को लीनियर फैक्टर में रिजोल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो आपको देखो इसके फॉर्मूलेस ध्यान रखने हैं और हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस पर चलेंगे। उससे क्वेश्चन से आपको ज़्यादा थ्योरी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये टेबल ध्यान रखनी है कि रूल्स फॉर राइटिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ नॉन होमोजीनियस। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल का वही फॉर्म रहेगी कि चार टाइप के हो सकते हैं, e की पावर के टाइप के, साइन कोस टाइप के, x इंटू वाई टाइप के, या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y का। लेकिन रूल्स क्या है राइटिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ नॉन होमोजीनियस। जब आप नॉन होमोजीनियस की बात करते हो, उसके क्या रूल हैं राइट करने के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के। देखो, आपका लीनियर फैक्टर इस टाइप से हो सकता है, ये कोई भी टाइप होते हैं, मैं आपको क्वेश्चन के साथ इसको क्लियर करवाऊंगी। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्लियर है। जो मेन यूज़ होते हैं वो ये होते हैं। देखो ये क्या है, ए डी माइनस, अगर इस टाइप का कुछ बन रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। रिपीटेड फैक्टर, मान लो वही सेम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो रूट आया, फैक्टर आया, वो दो टाइम आ गया, तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। बस उसके बाद तो देखो सी जीरो हो सकता है, तो आपको मेन जो है ये दो याद रखने हैं। उसके बाद तो सी जीरो, ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ये दोनों याद रखने हैं। उसके बाद आपको जो मेन ध्यान रखना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये दो मेन से सब काम क्लियर हो जाएगा, सब हो जाएगा, इन दो को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये दो हैं, ये तो सिर्फ इसके केसेस ले रखे हैं कि अगर मान लो सी जीरो हो जाता है तब इसमें चेंज आ जाएगा, अगर दो याद होंगे तो आप बाकी कर पाओगे। ये कौन सा केस है, जब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है और उसको फैक्टर बन सकते हैं। रूल्स फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये वही सेम है पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, पर फिर भी इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो e की पावर एक्स वाई क्या होता था, ये पढ़ चुके हो आप कि अगर इस टाइप का हो तो हम d को a का x का कोफिशियंट और d डैश को y का कोफिशियंट रिप्लेस कर देते थे। साइन और कोस में वही d स्केयर को माइनस ए स्केयर, d इंटू डी डैश को माइनस ऑफ ए बी, डी डैश स्केयर को बी स्केयर, ये चीज़ आप कर चुके हो, वही सेम एक्सपेंड करोगे। और हाँ जी, ये ध्यान रखना, ये अलग आया है यूज़ कि v इंटू ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन हो तब क्या करोगे आप। f ऑफ किसका फंक्शन है, v इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, v किसका फंक्शन है x एंड y का, तो इसको ऑपरेट, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालोगे। अगर ये चीज़ है e की, तो पहले आप क्या करोगे, इस वाले को ऑपरेट करोगे जो e की पावर में होगा। क्या करते हो, क्या करना है, d की जगह d प्लस a x का कोफिशियंट, डी डैश की जगह डी डैश प्लस में b y का कोफिशियंट, फिर v पर अप्लाई करोगे। ये अलग है, इसको ध्यान रखना है, बाकी ये तीन आपके सेम हैं जो आप पहले 4.1 में पढ़ चुके हो, ठीक है। अब है नेक्स्ट आपका, अब इसके क्वेश्चंस हैं इसके बेस पर, तो हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और कुछ नया मेथड, और देखो और कुछ नया काम नहीं करना, सिर्फ आपको इसके फॉर्मूलेज याद रखने हैं। देखो ये नॉन होमोजीनियस है, इसकी डिग्री वन है, इसका ऑर्डर वन है, इसका ऑर्डर जीरो है, तो ये नॉन होमोजीनियस के दो फैक्टर हैं। तो आप इसके डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हो। देखो क्या है, यहाँ पर कंपेयर करो, यहाँ क्या था, ए डी माइनस ई की पावर सी बाय ए,
ये चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर सी क्या है, यहाँ पर सी है, इस वाले सी में वन है, आपका ए भी वन है, तो ई की पावर एक्स आ जाएगा, सी बाय ए आपका वन हो जाएगा। तो आपने सिर्फ इस फॉर्मूले से कंपेयर करने हैं, ये ऊपर वाला फैक्टर बन रहा है, दोनों आपके अलग अलग फैक्टर बन रहे हैं, तो आपने इस पर वही फॉर्मूला अप्लाई करवाना है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपको पता है जब भी साइन और कोस की बात होती है तो डी स्केयर को माइनस ऑफ ए स्केयर पुट करते हो, डी डैश स्केयर को माइनस ऑफ बी स्केयर पुट करते हो, डी इंटू डी डैश को माइनस ऑफ ए भी पुट करते हो। तो ये फैक्टर्स लिए, सबसे पहले आप इसको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लो, आप ये फैक्टर ना, आप इसको ना भी करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। देखो डी से करोगे डी स्केयर, इसका इससे करोगे माइनस ऑफ डी इंटू डी डैश, इसका इससे करोगे माइनस ऑफ टू डी, ये चीज़ आ जाएगी, माइनस ऑफ टू डी आ जाएगी। देखो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करी पहले d से, ये चीज़ आई, इसको ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको कि ये कितना बना हुआ है, ये है d माइनस का d डैश माइनस का 1 इंटू में d माइनस d डैश माइनस का 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा d स्क्वायर माइनस में d इंटू d डैश माइनस में 2d माइनस में d माइनस माइनस प्लस, जब मैं इसका करूँगी, सॉरी ये तीनों इसके साथ कर दिया, फिर हम लेंगे इसको, ये बनेगा d इंटू डी डैश प्लस बन जाएगा, प्लस में d डैश का स्केयर बन जाएगा, प्लस में कितना बन जाएगा 2d डैश बन जाएगा, माइनस में d प्लस में d डैश प्लस में 2, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब इसको आप अलग भी कर सकते हो, देखो d स्केयर और ये कहीं मिस्टेक हो गई है, देखो कहाँ d से d स्केयर, d से ये माइनस, इससे ये चीज़, फिर इस पे जाते हैं ये माइनस आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये बन जाएगा डी स्केयर माइनस में 2 इंटू डी इंटू डी डैश प्लस में डी डैश का स्केयर माइनस का 3d प्लस माइनस का 3d प्लस का 3d डैश और प्लस का 2, यही चीज़ इन्होंने लिखी है। तो आपको ये ऊपर करने की बजाय आप इसको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके ये सोल्व कर सकते हो। अब हमारे पास क्या था, जहाँ जहाँ साइन वाला आता है वहाँ डी की जगह, डी स्केयर की जगह माइनस ऑफ ए स्केयर तो लिखा, फिर डी इंटू डी डैश का माइनस ऑफ ए बी रिप्लेस कर दोगे, वही सेम प्रोसीजर से इसको सोल्व करोगे जैसे आप 4.1 में करके आए हो, तो आपका यह आंसर आ जाएगा। सिर्फ क्या चेंज हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि इक्वेशन क्या है आपकी नॉन होमोजीनियस है, इसको ध्यान रखना है। सिर्फ आपको दो फॉर्मूले जिसमें ध्यान रखने हैं, हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, इसका एक फॉर्मूला ध्यान रखना है ए डी माइनस बी डी डैश माइनस का सी, अगर ये फैक्टर आता है तो आपको इसको कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाना है, इसका होगा ई की पावर सी बाई ए एक्स फाई ओ बी एक्स प्लस में ए वाई, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसका फॉर्मूला डी, ये डी, ए डी का कोफिशेंट बाई में लेना है, जो कोफिशेंट कांस्टेंट होगा सी बाई ए एक्स फाई ओ बी एक्स माइनस प्लस में ए वाई, जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ मुझे इसमें बताना है, देखो ये नॉन होमोजीनियस है, दो ऑर्डर एक ऑर्डर जीरो ऑर्डर, आपको पता लगा ये नॉन होमोजीनियस, तो डायरेक्ट आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये सेकंड एक्सरसाइज है। तो हम सबसे पहले इसको फैक्टर्स में, देखो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करोगे, फिर उसके बाद फैक्टर्स में कन्वर्ट। अब नेक्स्ट देखो वही सेम आ गया, ए क्या है यहाँ पर वन है, बी क्या है यहाँ पर वन है, और सी क्या है यहाँ पर माइनस टू है। तो आप वही सेम पीछे से फॉर्मूला देखोगे, इसका फॉर्मूला आपके पास ये चीज़ होती है, तो यहाँ ए भी वन है आपके पास, बी भी पहले वेक्टर में आपका वन है, और सी आपके पास माइनस टू है, तो इसमें पुट कर दोगे ई की पावर माइनस सी बाई टू एक्स फाई ऑफ बी एक्स प्लस में ए वाई, तो ये आपका ये आ जाएगा पहला फैक्टर, यही चीज़ लिखी हुई है, सेम ऐसे दूसरा करोगे। फिर पर्टिकुलर, अब ये देखो दो क्वेश्चन बन गए, ई के लिए अलग करना है, इसके लिए अलग करना है, देखो इसको अलग अलग कर दिया। इसमें तो क्या होता है, जहाँ जहाँ डी है उसकी जगह एक्स का कोफिशियंट, जहाँ जहाँ डी डैश है उसकी जगह वाई का कोफिशियंट, ये पुट कर लिया। जब एक्स स्केयर आ जाए तब क्या करोगे, अब क्या आ जाएगा आपका एक्स स्केयर आ जाएगा, एक्स स्केयर के लिए वही सेम, पहले क्या करोगे वन माइनस करके वन की, फिर इसको बाइनोमियल ओपन करोगे, इसके लिए यही चीज़ बाइनोमियल ओपन करोगे इसको, फिर उसके बाद इसको देखो सोल्व कर रखा है इसके क्वेश्चंस को, कुछ नहीं है, सारा पहले वाला है। मेन आपके पास नॉन लीनियर आ गई है, नॉन होमोजीनियस आ गई है, नॉन होमोजीनियस की वजह से इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चेंज होगा, तो आप इसको सोल्व कर देखना, जो कोई डाउट आए उसको पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे डिफरेंट है,
इस एक्सरसाइज का सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या आया है, इसमें एक्स स्क्वायर और साइन वाली टर्म आ गई है, ठीक है, एक्स का फैक्टर और साइन वाली टर्म आई है। तो इसके लिए आपको देखो, जो मैंने आपको एक केस बताया था उसमें साथ में ई का था, लेकिन इसमें ई नहीं आया। इसके लिए एक अलग मेथड है, जब एक्स स्क्वायर और साइन आ जाए तो क्या करना है, एक्स आ जाए तो इसके लिए एक अलग चीज़ करनी है। तो ध्यान रखना, देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल आप बता सकते हो। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल देखो, अब इसके सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री में ये क्या है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस है, डी स्क्वायर डी इंटू डी डैश सिक्स डी, तो इसका डायरेक्ट फैक्टर बना सकते हो। क्या करोगे, इसको एम स्क्वायर पुट कर लोगे, एम स्क्वायर प्लस में एम माइनस में सिक्स, सोल्व करोगे यहाँ से इसके फैक्टर आ जाएंगे, तो होमोजीनियस है। अब हमने देखनी है इसकी राइट साइड, राइट साइड है चेंज। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स बना लिए। देखो अब आपको एक फॉर्मूला पता है कि ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, ई की पावर कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा होता है, क्लियर है। तो इससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसका ये कौन सा इमेजिनरी पार्ट है, ये इसका कौन सा होता है, रियल पार्ट होता है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, ये चीज़ आएगी कि ये जो है, ये जो चीज़ है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है, क्लियर है। अगर ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, इसको सोल्व हम इसको ई के साथ सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमने इस एक्सरसाइज में। जब इस टाइप से कोई फंक्शन आ जाए तो हम इसको सोल्व, तो हमें हमारे पास जो फॉर्मूला पढ़ा है हमने ई के साथ पढ़ा है, तो हम इसको सोल्व करेंगे ई के साथ के लिए, फिर लास्ट में उसका जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो लिख देंगे, क्योंकि हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए। ऐसे सेम आप इसमें अगर कोस आता तो आप इसका रियल पार्ट लिखते। देखो इसका इमेजिनरी पार्ट लिखा, अब इसको सोल्व करना आता है, क्या फॉर्मूला था, पहले आपने एक्स ई की पावर को सोल्व करना है, मतलब जहाँ जहाँ डी है वहाँ क्या हो जाएगा, डी प्लस में ई का कोफिशियंट, डी प्लस आयोटा, ये चीज़ आएगी, और जहाँ ये चीज़ होगी वहाँ क्या होगा, y की जगह d प्लस में जिसका कोफिशियंट, यही चीज़ कर रखी है, d की जगह d प्लस आयोटा, माइनस टू डी डैश की जगह d डैश प्लस में y का कोफिशियंट, ये भी आयोटा है, इंटू d प्लस आयोटा दिस, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब इसको ये चीज़ हमने सोल्व, फिर किस पर अप्लाई करना होता है, बाद x और y वाले फंक्शन पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग है, इसको ध्यान से देखो। उसके बाद देखो अब ये चीज़ है, अब इसको ओपन कर रखा है, फिर एक्स स्क्वायर वाला बन गया आपके पास। अब इन्होंने क्या करा, डी स्क्वायर, अब इन्होंने इसको अलग अलग बना दी, यहाँ से क्या करा, यहाँ से इन्होंने आयोटा कॉमन ले लिया, नीचे आ गया, यहाँ से फोर, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, यहाँ से इन्होंने देखो d माइनस यहाँ आयोटा कॉमन ले रखा है, और यहाँ से 4 आयोटा कॉमन ले रखा है, ये चीज़ करी, ये 1 की फैक्टर बना दी इन्होंने। अब इसकी बाइनोमियल आपको ओपन करनी आती है, बाइनोमियल ओपन कर लोगे तो इसको सॉल्व करोगे, जहाँ जो d है वो रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव को, d डैश डेरिवेटिव ऑफ x को, d डैश रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव ऑफ y को, d इंटू d डैश सॉरी 1 बाई डी रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x को, d डैश रिप्रेजेंट करता है 1 बाई d डैश रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y को, ठीक है। उसके बाद देखो ये चीज़ सोल्व कर रखी है, सोल्व आप इसको करके देखना, जितनी प्रैक्टिस है देखो आपकी उतना ही जल्दी सोल्व होगा। ये चीज़ करी, इसमें वैल्यूज पुट करी, इमेजिनरी पार्ट लेना है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, जो आयोटा के साथ वाला होगा वो इमेजिनरी पार्ट, इसका आंसर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन, ठीक है। अब जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, इसको ट्राई करना, इजी है ये, वही सेम अब साइन का फंक्शन आया, तो डी स्केयर की जगह माइनस ऑफ ए स्केयर, डी डैश स्केयर की जगह माइनस ऑफ, अब इसमें क्या है, अब इसमें हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, अब इसमें क्या करोगे, इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट्री आप इसका फाइंड आउट कर सकते हो, जिसे उससे कंपेयर करके, ये चीज़ देखो यहाँ से देखो डी कॉमन आ गया और ये चीज़ आ गया, यहाँ सिर्फ डी आया, तो इसका अलग कॉम्प्लीमेंट्री, ये कौन सा पार्ट है, नॉन होमोजीनियस का है, इसका अलग और इसका अलग निकलेगा, वही ई की पावर, यहाँ कौन कौन जीरो है, बी भी जीरो है और सी भी जीरो है, तो उससे कंपेयर कर लोगे। अब इसका पर्टिकुलर पार्ट देखो, अब देखो साइन में क्या होता है, डी स्केयर की जगह माइनस ऑफ ए स्केयर होता है, डी इंटू डी डैश की जगह माइनस ऑफ बी स्केयर, माइनस ऑफ ए बी होता है, और डी डैश स्केयर की जगह माइनस ऑफ बी स्केयर होता है, लेकिन इसमें डी डैश है, डी स्केयर है, डी इंटू डी डैश है, लेकिन ये नहीं है, तो इसकी जगह वैल्यू पुट नहीं करोगे, इसको एज इट इज लिखोगे। देखो करा, डी स्केयर की जगह माइनस ऑफ 9 ए स्केयर, डी इंटू डी डैश माइनस ऑफ 3 इंटू 4 माइनस 12, इसको एज इट इज रखा, ये चीज़ सोल्व करी। अब देखो ये चीज़ यहाँ तक आ गई, सोल्व करके ये चीज़ आई यहाँ तक।
अब इन्होंने क्या करना है, इस चीज़ को थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस स्टेप को हमने क्या करा, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दी किससे, 3 + 2d से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना कि इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से स्टॉप हो जाएगा क्वेश्चन। तो हमने कुछ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ आप डी डैश की वैल्यू पुट करते हैं, डी स्क्वायर की कितनी होगी, डी स्क्वायर की -9 पुट कर दी, हो गया सर। अब इसको अलग अलग कर सकते हो, 3 के साथ अलग मल्टीप्लाई, जहाँ डी होगा मतलब इसका एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सोल्व करोगे यहाँ से आंसर आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है और इजी है, इसको ध्यान से देखना।